चिकन मसाला बनके रेडी हो गया। इतना स्पाइसी लग रहा है ना, कितना ग्रेवी ग्रेवी है, खाने में बहुत मज़ा है। आज का ब्लॉग में हम लोग चिकन मसाला बनाने वाली है, तो रेस्टोरेंट स्टाइल में दिखाएंगे आप लोगों को कैसे बनाए जाते हैं। हम लोग ये चिकन है तो थोड़ा नमक डालेंगे इसमें, और हल्दी पाउडर है भी डालेंगे हम जाते हैं। थोड़ा सा को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो अभी आग जला लिया, तो कढ़ाई बिठाएंगे, अभी कढ़ाई गरम होने दे। तो इसमें तेजपत्ता डालेंगे हम, थोड़ा सा इलायची और दालचीनी डालेंगे और लौंग थोड़ा डालेंगे इसको। हाथ से हिलाओ उसे, पलटा से हिलाओ, फ्राई होने दे प्रॉपर। मिर्ची डालेंगे, हरा मिर्च, तो प्रॉपर ब्राउन होने तक थोड़ा पलटा से हिलाना पड़ता है गाइस। तो ब्राउन होने दे तब तक। टमाटर डालने वाली हूँ, दो टमाटर है इसमें। टमाटर डालने के बाद थोड़ा आप लोग भी जरूर ट्राई करना, ठीक है। इसमें चिकन मसाला बनाने के लिए चार कांदा, दो टमाटर और लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, ये सब लगता है इसमें चिकन मसाला में, और अदरक लहसुन ये सब लगता है। अब डालने वाली हूँ, तो इसको डाल के थोड़ा सा हिलाएंगे 2-3 मिनट तक। ताकि चिपक ना जाए अंदर। अभी मसाला डालेंगे, मिर्च पाउडर है, एक चम्मच चम्मच करके डालेंगे, ये जीरा पाउडर है, और ये मीट मसाला, वही चिकन मसाला। थोड़ा 5 मिनट पकने दे इसको, चिकन को अच्छे से इसको खोलेंगे। देखो गाइस कितना मसालादार आ गया, अभी इतना अच्छे से मसाला। अभी पक गया चिकन, तो थोड़ा गरम डालेंगे लास्ट में गरम डालेंगे, क्योंकि गरम है ना, वो पहले डालेंगे तो गरम का वो स्मेल जो है ना नहीं रहता है। तो गाइस आप लोग ये देखो, चिकन मसाला बनके भी रेडी होके गया है, तो देखो कितना मसालेदार लग रहा है।